और दोस्तों मैं घर चले गया था अपने, और चाय पी ली थी मैंने, पर क्या हमारी एक बकरी घर नहीं पहुंच पाई, पता नहीं कहाँ चली गई। तो हमें दोबारा आना पड़ रहा है इस घनघोर जंगल में, और कुछ पता नहीं है कि कहीं बाघ वगैरह ने मार तो नहीं दिया उसे। दोबारा आना पड़ा हमें वहाँ से, अपने गांव से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है ये, दोबारा आना पड़ रहा है हमें इधर। बहुत बकरियाँ थी 100-100 ऊपर, और हमारी पता नहीं, मेरी बकरी हो गई गायब। अब शाम को अब बकरी ढूंढने आए हैं मैं और मेरे साथ के भाई लोग, पता नहीं कहाँ चलेगी। हाँ दोबारा आना पड़ा मुझे, सबसे खतरनाक रास्ता है। ना रास्ता है यार, और शाम के बज के 5:30 होने वाला है, अंधेरा होने वाला है, दिख रहा होगा आपको। यार कहाँ कहाँ से जाना पड़ रहा है। क्या रुक जा यार, मैं तभी, बहुत ही घनघोर जंगल है भाई, थकान लग गया यार, और ठंड भी, और मैं जूते भी घर पे निकाल में आ गया। पहले मैं जूते लाया था, उसके बाद मैं जूते निकाल के भी आ गया। अरे चप्पल फिसलन भी हो रही है यार, बारिश भी हुई थी सुबह। अरे पैर ही मुड़ गया रे यार। मेरा चप्पल भी टूट गया, लगा दे जरा, नंगे पाँव जाना पड़ रहा भाई। यार ले 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 यहीं ले 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 ले, कुछ देर में अंधेरा भी हो जाएगा। यार कहाँ फंसा दिया बकरी ने यार। उस समय कुछ पता नहीं चला, बहुत ज़्यादा बकरियाँ थी, 110-120 के करीबन थी बकरियाँ। यहाँ जाना पड़ा नंगे पाँव यार, और पानी में ऐसे ही ठंडा हो रखा है। अरे मम्मी कहाँ कहाँ से जाना पड़ रहा था। बहुत दूर आ गए हम, और अंधेरा हो जाएगा थोड़ी देर में, बहुत थकान लग चुकी है मेरे भाई लोग। बहुत ज़्यादा थकान लग गई, देखो हम कितने घनघोर जंगल से आए थे अभी। नहीं यार खोरी जा रहा यार, मैंने ब्लॉग एंड कर दिया था, पर घर जाके पता चला कि हमारी एक बकरी नहीं आ रही, फिर हमें दोबारा आना पड़ा इतने दूर यहाँ घनघोर जंगल में। पता नहीं है कि कहाँ गई, कहीं बाघ उघ का खतरा भी इधर ज़्यादा है, पर देखते हैं अभी। ले 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 ले। यार पता नहीं कहाँ गया, और देखो बकरी ढूंढना है। अब हमने टोपी भी निकाल दी, बहुत ज़्यादा पसीना हो गया। चलो ढूंढते ढूंढते पता नहीं कहाँ गया यार, दिमाग खराब। पता नहीं यार कहाँ गया। और हम नीचे गए थे ढूंढने, वहाँ तो कुछ मिला नहीं, पर अब देखते हैं ऊपर, थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा। अभी थकान भी लग चुकी है, घर से दोबारा आए थे हम बकरी ढूंढने, पर बकरी अभी तक मिली नहीं। हम बकरी ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए। पहले भी हम बहुत नीचे थे,
उधर पड़ता ऊपर से आए थे, फिर उधर उधर उधर, फिर यहाँ से नीचे जंगल जंगल जंगल, उधर खाई से ऊपर वहाँ थे अभी तक, और आ गए। अंधेरा भी होने वाला है, बस थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। और दिन में हम यहीं पे बैठे थे, आग सेक रहे थे, पर हम यहाँ सब फिर दिन में हम भी यहीं पर बैठे थे, आग सेक रहे थे, और अब दोबारा आना पड़ा यहीं पे थे हम सुबह, दिन में आग सेक रहे थे, और अभी शाम को फिर आना पड़ा। 6 बज गए, 6 बजने वाले हैं। आई ले 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 ले, अब इतना ढूंढ ले पर मिल नहीं रहा, अब घर ही जाना पड़ेगा। अब पता नहीं, अब घर जाके कल ही पता चलेगा अब क्या होगा, कहाँ है। सारा ढूंढ दिया पर मिल नहीं रही भाई, अरे कहाँ चले गया यार। थकान लग गई बहुत ज्यादा। ये देखिए हम नीचे से ढूंढ के आगे, पर मिला नहीं। मैंकू भाई आप कुछ बोलना चाहते हो कि कहाँ गया होगा वो? अरे भाई हैं, हर चीज गया वो, पागल मारा लेता और जगह। अब वो परवाती मिल सकता है भाई, पता नहीं है यार भाई कहाँ गया यार। अंधेरा भी बहुत हो चुका है, पर बकरी का कोई नामो निशान नहीं, पर पता नहीं अब क्या करे भगवान जाने अब क्या होगा। अब कल सुबह ही पता चलेगा, अब आगे देखते हैं। घर गई होगी तो पता नहीं है, अभी घर यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर है, घर जाके पता चलेगा कि गई होगी या नहीं गई। तो पूरा आगे ढूंढ के यार बहुत थकान लग चुकी है यार। ठीक है दोस्तों, फिर दुआ करना यार हमारी बकरी मिल जाए। आ गए हम 2-3 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के आ गए ऊपर, और बकरी तो मिली नहीं भाई यार, पता नहीं कहाँ चली गई यार। दोस्तों दुआ करना फिर हमारी बकरी जल्दी मिल जाए यार, कल ही पता चलेगा पता नहीं कहाँ गई यार। जा रहे हैं हम घर को, अब हम फिर से बकरी ढूंढने जा रहे हैं जो कल खो गई थी, देखते हैं। दूसरे दिन भी हमने अपनी बकरी को पूरे जंगल में ढूंढा पर मिली नहीं, शायद बाघ ने ही उसे अपना शिकार बना दिया। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप ठीक होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। कल मैं बकरियों में गया था, और क्या हुआ कि हमारी एक बकरी खो गई और वो अभी तक घर आई नहीं है। कल हम रात को गए थे, आपको देखा होगा वीडियो में पहले कि हम रात को गए थे पर हमें कहीं मिली नहीं बकरी। और अभी सुबह पापा और गांव के और लोग भी जा रहे थे ढूंढने फिर, और गांव में बहुत ठंड भी हो रखी है यार। यहाँ कल रात दीवा साइड बर्फ गिरी थी, और आप देख सकते हैं कि बारिश हल्की हल्की फिर से शुरू हो गई। इस बारिश ने भी बहुत जीना हराम कर रखा गांव के लोगों का। और हेलो गाइस, नमस्कार। तो जैसे कि आपको पता होगा, वैसे होगा ही पता, कल हमारा भाई योगेश बकरियों में गया था और एक बकरी घर नहीं लाया। वो हमारी फेवरेट बकरी थी, इसने खो दी वो बकरी। अरे वो पता नहीं कहाँ चली गई, शायद बाघ उगने, पता नहीं। मैं आपको बता ही रहा था ब्लॉग में, पहले ब्लॉग में बताया था कि वहाँ बाघ का खतरा ज़्यादा है, तो शायद क्या पता बाघ ने ही कुछ उसका शिकार कर दिया। अगर मिलना होता तो कल से मिल जाता, शायद उसको बाघ ने खा दिया है। अभी पापा लोग और गाँव के चाचे जी लोग भी जा रखे हैं उसको ढूंढने के लिए, क्या पता कुछ मिल जाए। और मौसम देख सकते हो आप, बहुत ठंडा हो गया आज, बारिश हो रही है सुबह से लगातार। जो मेरे पापा और गांव वाले गए थे बकरी ढूंढने, वो आ गए अब घर, अब बकरी तो मिली नहीं। देखो मौसम
ये जो आगे कोहरा लगाया सर उधर दीवा मंदिर साइड इधर ऊपर उधर बर्फ गिरी थी रात को, कोहरे से दिख नहीं रहा उधर। देखिए आज बहुत ठंडा हो गया मौसम, बारिश हो रही है अभी भी, लगातार बारिश हो रही है। हाँ लगातार बारिश हो रही है। और हाँ दोस्तों क्या बोलते हैं, पापा जी और चाचा जी लोग तो आ गए घर, पर बकरी नहीं मिली, उसको बाघ ने खा दिया है। तो बहुत बुरा लग रहा है हमें कि हमारी बकरी बाघ ने खा दी है। पता नहीं यार अब बारिश भी, अरे मैंने पता नहीं यार अब 100 से ऊपर बकरियां थी, पता नहीं चला कि कब, कुछ पता ही नहीं चला। अरे एक बारिश ने कर रखी थी, देखो बारिश दिख रहा होगा आपको, बारिश रुकने का नाम नहीं, कल से बारिश हो रही है मूसलाधार बारिश, कभी रुक रही है कभी धूप आ रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। और उधर दीवा मंदिर साइड अब शायद फिर से बर्फ गिर जाएगी आज, इधर शायद हमारे इधर भी गांव साइड गिर जाए बर्फ, कुछ पता नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है। ठीक है दोस्तों फिर अपना ब्लॉग यहीं एंड करता हूँ, मिलते हैं आपको दूसरे ब्लॉग में। तो गाइज अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और भंडी अच्छा लगे तो अपने व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में शेयर जरूर करना। बाय, नमस्ते, मिलते हैं कल के ब्लॉग में।